गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में हम प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। आज से लेसन हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग बुक आकर के स्कूल से ले लीजिए, क्योंकि स्कूल में बुक्स आ चुकी हैं और कई बच्चों ने खरीद भी लिया है। देखिए प्रश्न, करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले पाठ नंबर समुद्र, समुद्र महासागर, समुद्र महासागर। अब इसमें खाली स्थान क्या आएगा? भवन कर सकते हैं। अगला है खाली स्थान है, पहले वचा मधुर, मधुर सुप्त रसम, सुप्त रसम सृजंती, सृजंती मतलब निर्माण करते हैं या बनाते हैं। कौन? इसे लिखेंगे श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब सुनकर। इस पे हम अंडरलाइन करेंगे, हमने पाकिस्तान भरा है। आप गान, गान नंबर क्या है? तदभाग ध्येयम, तद भाग ध्येयम। चिंतनिया की विपदा
कॉपी में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अधो लिखितेषु वाक्येषु चित्वा मतलब चुनकर, लिखत माने लिखिए, दिए गए वाक्य में से कर्ता और क्रिया मत चुनकर के हमें लिखना है। सबसे पहले हम डालेंगे वाक्यानि, यहाँ वाक्य लिखेंगे, इस जगह लिखेंगे कर्ता, इस जगह उसकी क्रिया, वाक्य से छांट कर ये हमें लिखना है। ठीक है, निर्गुणा प्राप्त भवंती दोषा। अब इसमें कर्ता क्या है और क्या क्रिया है, इसमें लिखिए कर्ता दोषा और क्रिया है इसमें भवंती। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसमें से क्रिया और कर्ता छांट करके लिखना है। अगला सेंटेंस है पांच नंबर, गुण गुण के और क्रिया है भवंती। ठीक है, ये इसमें क्रिया है। अगला सेंटेंस मधु मच्छिका, मधु मच्छिका माधुर्य, माधुर्य भवन जनयते, जन एत। इसमें देखिए कर्ता क्या है, मधुमक्षिका, मधु मच्छिका और क्रिया क्या है, जन एत, जन एत। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसमें से क्रिया छांट करके लिखना है। अब हम अगला सेंटेंस लिखेंगे घ नंबर का,
या द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।